फायदेमंद है। घड़ा शुद्ध हो गया, मिट्टी शुद्ध है इसलिए इसका पानी भी शुद्ध होता है और इससे काफ़ी फायदेमंद होता है पीने में, इसलिए हमने ज़्यादातर घड़ा ही यूज़ किया। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूँ जय शुक्ला। देखिए, गर्मी के दिन में आप जानते हैं कि देसी फ्रिज की डिमांड बढ़ जाती है। देसी फ्रिज से हमारा तात्पर्य है देसी घड़ा, जिसका पानी आज भी फ्रिज के पानी जैसा ठंडा होता है और लोग इससे काफ़ी राहत महसूस करते हैं। ये तस्वीर गया से दिखा रहे हैं आपको और यहाँ पर देसी फ्रिज की डिमांड जो है काफ़ी बढ़ गई है। बिहार के लोग वैसे भी आज भी कई लोग हैं जो घड़े का इस्तेमाल शीतल जल के लिए करते हैं। वहाँ के खरीदार और दुकानदार क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। बताइए, क्या खरीदारी कर रहे हैं? घड़ा खरीदारी कर रहे हैं, हर साल घड़ा खरीदते हैं। घड़ा काफ़ी फायदेमंद है, जो क्या है, घड़ा यूज करते हैं। फ्रिज तो खरीद सकते हैं, लेकिन फ्रिज खरीदते इसलिए नहीं है कि वो गला खसखसा जाता है और वो फायदेमंद नहीं होता है। घड़ा एक शुद्ध हो गया, मिट्टी शुद्ध है इसलिए उसका पानी भी शुद्ध होता है और उससे काफ़ी फायदेमंद होता है पीने में, इसलिए हमने ज़्यादातर घड़ा ही यूज़ किया। महंगा तो थोड़ा बहुत हुआ है, हर साल कुछ ना कुछ रेट बढ़ते रहता है, लेकिन फिर भी ये घड़ा का रेट थोड़ा बहुत बढ़ा है, लेकिन फ़ायदेमंद भी है और हर साल इसका बिक्री हमारे अलावा भी बहुत सारे लोग ले जाते हैं, क्योंकि मिट्टी का डिमांड है, मिट्टी का पानी पीने में शुद्ध हो जाता है, इसलिए हर लोग इसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं। देसी घड़ा का मांग बहुत बढ़ चुका है, भैया गर्मी बहुत काफ़ी बढ़ चुकी है, ये हम लोग देसी घड़ा हर साल खरीदते हैं। फ्रिज खरीदने की तो हम भी यहाँ बात नहीं है, और हम लोग मिडिल क्लास का आदमी है, फ्रिज कहाँ से खरीदें, डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, फ्रिज कहाँ से बदले। कितना में आ रहा है देसी घड़ा ले रहे हैं? 200 रुपये में आ रहा है। देसी घड़ा का भी दाम 200 रुपये हो चुकी है, फिर भी हम लोग लेते हैं। सही तो गर्म पानी निकलता होगा। हाँ, शुद्ध पानी और ठंडा पानी रहता है, इसलिए हम लोग हर साल करते हैं। तो क्या नाम आता है? नाम मेरा मोहम्मद शमसुद्दीन जी हुआ, घर नादरागंज में हुआ। क्या मजबूरी है इसमें घड़ा? मजबूरी है कि हम लोग मिडिल क्लास का आदमी है, डेली खाता कमाता आदमी है, मजदूरी करते हैं तो डेली खाते हैं, नहीं मजदूरी करेंगे कहाँ से खाएंगे। कूलर वगैरह का? कूलर वगैरह का भी औकात नहीं है, इतना गरीब आदमी है, पंखे में काम चलाते हैं, पाले बच्चे। तो सुना आपने, लोग कह रहे हैं कि हर किसी के बस की बात नहीं है कि वो फ्रिज खरीद ले, और फ्रिज बजट में भी नहीं आता। वैसे भी आज के दौर में भी देसी फ्रिज जो है, यानी कि घड़ा जो है, वो आम लोगों के पहुंच में होता है, आम लोगों के बजट में होता है, और इसीलिए देसी फ्रिज की डिमांड बढ़ गई है। लोग गर्मी में राहत महसूस कर रहे हैं घड़े का पानी पी करके, और ये भी कह रहे हैं कि न सिर्फ फ्रिज से ज़्यादा बेहतर है, कारगर है, बल्कि ज़्यादा फायदेमंद भी इसका पानी होता है। ऐसे में अब गर्मी के सीजन में लगातार डिमांड जो है देसी फ्रिज की बढ़ रही है। देखने वाली बात है कि आने वाले दिनों में टेम्परेचर और कितना बढ़ता है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि शुरुआती दिनों में ही पारा जो है वो आसमान पर पहुंच रहा है, और लगातार जो है मौसम विभाग के द्वारा चेतावनी भी जारी की जा रही है। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।